हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली के ढेर सारे शुभकामनाएं। हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम घर से बाहर रह रहे हैं। दिवाली की छुट्टी तो हो गया कंपनी में, बट घर से काफ़ी दूर रहते इसलिए घर नहीं गए हम। हमने कि हमारे जैसा बहुत सारे बंदे भी घर नहीं गए, तो हमने कैसे मनाया दिवाली घर से बाहर आपको आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि दिवाली हमने कैसे मनाया। थैंक यू। ये रहा हमारा पूजा के मंडप, शाम को यहाँ हम पूजा करेंगे। लक्ष्मी गणेश पूजन होगा शाम को यहाँ। फिर हमने हमारे आंगन में अभी रंगोली बना रहे। पहले चौक से हमने गणेश का एक मूर्ति बना लिए, फिर उसको वाइट रंगोली से भर रहे हैं, फिर बाद में इसको कलर करेंगे। अभी देखिए हम इसमें कलर भर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त। देखिए कंप्लीट हो गया हमारा रंगोली गणेश भगवान के। ये आप देख सकते हैं हमारे दरवाजा और द्वार पे हमने ऐसे सजावट किए हैं। ये जो हैप्पी दिवाली देख रहे हो, इसमें लाइटिंग का कुछ वर्क्स है जो आपको रात को देखेंगे तो इसका मज़ा मिलेगा। अभी हम आगे पूजा के लिए दो चुनरी लिए, अगरबत्ती लिए, प्रसाद के लिए कुछ लड्डू और फ्रूट्स लिए, सुपारी लिए, चंदन कुमकुम लिए, अक्षत लिए, पान के पत्ते लिए, कलश में डालने के लिए आम के पत्ते और कुछ फूल लिए। फिर हम द्वार पे कलश डाले और भगवान को बुलाए कि भगवान जी हमारे घर पे आ जाइए। फिर हमने द्वार पे दिया जलाए। पूरे भारत में सबसे बड़ा त्यौहार इस दिवाली को मनाया जाता है, क्योंकि ना 14 वर्ष वनवास के बाद श्री राम भगवान आज के दिन अयोध्या वापस आए थे। भगवान श्री राम के अयोध्या आने पर पूरे संसार में धन जन गोप लक्ष्मी सुख समृद्धि का आगमन हुआ था। अयोध्या वासियों ने भगवान राम को दिया जला के स्वागत किए थे, इसीलिए आज के दिन को दिवाली नाम से मनाया जाता है। और हमने भी दिया जला दिए, जहाँ पे रंगोली बनाए थे उसके चारों तरफ हमने दिया जला दिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम आगे पूजा के लिए बाहर दिया जला दिए और अभी मंदिर में दिया जलाए हमने। फिर हमने अक्षत से भगवान जी के सामने एक स्वास्तिक बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैचलर्स लोग जो बाहर रह रहे हैं त्यौहार में पूजा वगैरह नहीं कर सकते, बस करने की इच्छा होना चाहिए। और भी भगवान को कुछ नहीं चाहिए, जो भी आप श्रद्धा से दो भगवान उसको ले लेते हैं। बस आपके दिल में श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। फिर हमने भगवान जी को थोड़ा गंगा जल से स्नान करवा दिए, फिर तिलक लगा दिए, कुमकुम और चंदन। और एक पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित किए। फिर भगवान गणेश जी को
एक व्हाइट कलर चुनरी वस्त्र के रूप में पहना दिए। और माता लक्ष्मी को लाल कलर के चुनरी से ऐसा नहीं है कि भगवान को सिर्फ मंत्र के द्वारा पूजा किया जाता है। अगर आपको कोई मंत्र भी नहीं आता तो आप जिस भगवान के पूजा कर रहे हैं तो उनका नाम बार बार जप कर सकते हो। जैसे कि ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमः गणेशाय नमः, ओम नमः गणेशाय नमः, ओम नमः गणेशाय नमः, ऐसे आप जप करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिर हमने एक फूल की माला चढ़ाए भगवान के फोटो पर। और एक फूल की माला कलश पे भी चढ़ाया हमने। फिर अगरबत्ती जलाए फिर भगवान को प्रसाद चढ़ाए हमने, जो भी फ्रूट्स और लड्डू लिए थे वो। फिर भगवान की आरती की हमने। फिर हमने भगवान के चरणों में पान और लौंग इलायची चढ़ाए। फिर दक्षिणा भी दिए और क्षमा प्रार्थना की कि अगर हमारे पूजा में कोई भूल रह गया तो माफ़ कीजिएगा। ये हो गया हमारा पूजा। फिर चले पटाखा जलाने। पॉल्यूशन को नज़र में रख के हमने बहुत कम पटाखा जलाया, बस थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए। फिर हमने आगे खाना खाने। खाने में हमने खीर बनाए, प्लेन डोसा बनाए, पूरी बनाए, बूंदी बनाए, कुछ मिठाई भी मिला था कंपनी से वो है। और हमने उड़ीसा फेमस काकरा पीठा बनाए, जो कि नारियल और सूजी में बनाया हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। आपने कैसे मनाया दिवाली वो भी हमको बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।